नमस्कार मित्रों, मैं उत्तम कुमार बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। डाउन लाइन में जा रही ये गाड़ी पटरी से उतर गई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में ट्रेन की कई बोगियां बेपटरी होकर खेत में जा गिरी है। हादसा बक्सर जिला के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बिहार में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डी रेल हो गई है। ट्रेन की दो बोगी पलट गई और छह बोगी पटरी से उतर गई है। हादसे में 60 से ज़्यादा घायलों को अस्पताल भेजा गया है। घायलों की संख्या अभी बढ़ सकती है। हादसा बुधवार की रात 9:35 पर बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर के पास हुआ है। ट्रेन दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। पटना आरा बक्सर से रेलवे की बचाव टीम के साथ साथ बक्सर और आरा जिले में के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल के मुताबिक अब तक 60 से 70 घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू की काफ़ी दिक्कत आ रही है। पटना आरा बक्सर में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा। आरा बक्सर और पटना के सभी बड़े अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है। पटना से रेलवे के बचाव कर्मी और डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भूतपूर्व डीएम राजकुमार को फोन कर अस्पताल में तैयारियों के बारे में ली जानकारी। घायलों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हादसे के बाद जगह जगह ट्रेनें रुकी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रूट से निकलने वाली ट्रेनों को जगह जगह पर रोक दिया गया है। आनंद विहार मधुपुर बैनाथ धाम एक्सप्रेस विक्रमशिला न्यू बरौनी बीकानेर गुवाहाटी गरीब रथ राजधानी ट्रेन प्रभावित हुई है। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पटना दाना अधिक जानकारी के लिए पटना से कॉन्टैक्ट नंबर 9771449971। दानापुर 8905697493। आरा 8306182542। रेलवे कॉमन कंट्रोल रूम 7759073004। फटाफट खबर पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आप तक खबर पहुंच सके। देखिए वीडियो।